कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी जनपद मऊ। अध्यक्ष जी बताएं कि 6 तारीख को किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 6 तारीख को विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी की 24वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर विभिन्न मूर्तियों पर माल्यार्पण के बाद 12 बजे से नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में विशाल धरना प्रदर्शन करने हेतु आगे जो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ा दी है, उस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और कार्यकर्ताओं को जागृत किया जाएगा कि सरकार के खिलाफ में आने वाले समय में सड़कों पर उतरना है और व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करना है। मतलब 6 तारीख से ये माना जाए कि जिले में लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। हाँ, लोकसभा की तैयारी भी शुरू है और 6 तारीख से और उसको तेज कर दिया जाएगा क्योंकि 8 महीने लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी से जनता बहुत त्रस्त है। आम जनमानस तक यह संदेश पहुंचाना है कि सरकार को हटाकर ही प्रदेश में अमन चैन कायम किया जा सकता है और आम जनता को राहत पहुंचाया जा सकता है। कल्पनाथ राय के जाने के बाद से मऊ ज़िले में आखिर ऐसे क्या वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पाई? देखिए, कल्पनाथ राय के जाने के बाद कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हुआ। जितने जनप्रतिनिधि हुए लोकसभा के हो चाहे विधानसभाओं के हो, उन्होंने जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं किया, निर्माण और विकास के कोई काम नहीं किए और जिले की उपेक्षा करते रहे, पूर्वांचल की उपेक्षा करते रहे। इसीलिए कल्पनाथ राय जी के बाद ये जनपद उपेक्षित पड़ा। कांग्रेस के मजबूत न होने का कारण क्या? कांग्रेस अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है और अन्य राज्यों में हमारी मजबूती बढ़ रही है और जो थोड़ा बहुत संशय था कार्यकर्ताओं में, धीरे धीरे उत्साह बढ़ा है क्योंकि कई राज्यों में हमारी सरकार बनी है, जिससे कर्नाटक में हमारी सरकार बनी है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। जो अलायंस हुआ है, नया अलायंस इंडिया है, इंडिया को लेके बीजेपी की तरफ से बहुत आलोचना की जा रही है, आप क्या समझते हैं इंडिया कितना कामयाब होगा? देखिए, इंडिया इसीलिए बनी है कि इसका 2024 में मुकाबला किया जाए जोरदार तरीके से और आम जनमानस इंडिया के तरफ बहुत तेज़ी से जुड़ रही है। अब मुझे लगता है कि मोदी सरकार का 2024 के लोकसभा चुनाव में अंत हो जाएगा।